बार फिर आपका कानूनी सलाह में स्वागत है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। वाजपेयी साहब, आपसे एक प्रश्न ऐसा है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये जब इनका जो डिवोर्स हो जाता है, लड़का और लड़की का डिवोर्स के बाद में जो इश्यू पैदा होता है बच्चा, उसका क्या होता है, आप जरा उसको थोड़ा डिटेल में बताइए, उसके बाद में फिर मानदाना साहब आप भी बताइए, वो इशू का बिचारे का उसका बच्चे का तो हाल हो जाता है। माँ बाप के झगड़े में अगर समझो डिवोर्स तक अगर बात पहुँचती है तो फिर वो बच्चे लोगों का बच्चा जो है, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, उनका क्या होगा, माँ के पास होगा, पिता के पास होगा, कैसा होगा, क्या होगा, वो डेडलॉक है एक्चुअली, आप जरा उसको खोलिए। ये हिंदू गार्डियनशिप एंड डिवोर्स एक्ट करके एक कायदा है जिसके अंदर 5 साल की उम्र तक अगर वो बच्चा है तो उसका अधिकार माँ के पास रहता है और कोई भी कोर्ट इस चीज़ को मान्यता नहीं देती है कि अगर हस्बैंड ने क्लेम किया है 3 साल का बच्चा है तो वो उसको दे देवे, ऐसा नहीं होता। 5 साल के बाद में फिर कस्टडी की बात आती है और ये तो बड़ी वेदना की बात है कि ऐसा दुर्दैव होता है हमारे देश में कि बच्चे को एक कमोडिटी की तरह कि मुझे दो इस तरह की स्थिति तो आती बच्चे है। का क्या कसूर है ना? हाँ, उसका कोई कसूर नहीं होता है, उसने आपको एप्लीकेशन नहीं की थी कि इस दुनिया में लाने के लिए, ठीक है ना। तो लेकिन ये माँ बाप को समझना चाहिए कि ऐसी स्थिति ना आवे कि उनको ये तलाक की नौबत आवे। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि 5 साल के बाद में फिर कस्टडी की बात जब उठती है और पेरेंट्स मांगते हैं कि पेरेंट, कभी कभी हस्बैंड के पेरेंट्स मांगते हैं कि भाई हमारे पास में अच्छी उसकी परवरिश होगी, तो ये सारी चीज़ें कोर्ट में एक दूसरे का पक्ष देखने के बाद में कोर्ट डिसाइड करती है कि कहाँ पे इस बच्चे का प्रॉपर नरिशमेंट होगा और प्रॉपर एजुकेशन होगी, क्या इकोनॉमिक कंडीशन है बेटी के पेरेंट्स की, के यहाँ की बेटी की, कि उसके इन लॉज की क्या पोजीशन है, एजुके मतलब कितना इकोनॉमिकली वो डेवलप्ड है या इम्प्रूव्ड है कि वो स्टेबल रख सकते हैं अपने बच्चों को, उसको प्रॉपर नरिशमेंट दे सकते हैं। तो बच्चे की वेलबींग को ध्यान रखते हुए हमारी अदालतें जो है इस चीज़ के ऊपर फैसला करती हैं। बाकी फिर उसमें कस्टडी की बात आ जाएगी तो वो तो बड़ा लंबा है चैप्टर कि कस्टडी में फिर बेटा जो है बेटे के फादर को मिलने का समय, विजिटेशन टाइम जो पीरियड होता है वो डिसाइड होता है, हफ्ते में एक बार मिलना, 15 दिन में, 1 महीने में, या वेकेशन में, या पेरेंट्स को हस्बैंड को ले जाने के लिए छूट मिलती है या नहीं मिलती है, ये सारी चीज़ें फिर कोर्ट डिसाइड करता है जैसी जिसकी अपनी आर्थिक स्थिति होती है उसके हिसाब से कोर्ट। हाँ वकील साहब, लेकिन ऐसी केसेस कई बार आई हुई है कि 5 साल का और कभी कभी होने के बाद कभी कभी इसमें बच्चे का इंटरव्यू, बच्चे को भी चेंबर में क्या चाहिए, लेकिन सर 5 साल का बच्चा का इंटरव्यू देगा, उसको पूछ रहे कि मैं मम्मी के पास जाना है या पापा के पास जाना है, कहाँ रहना चाहिए। 5 साल के बाद में, 5 साल तक तो इनवेरिबली इट्स अ प्रिविलेज ऑफ द मदर, गार्डियनशिप एंड वार्स एक्ट में सेक्शन 6 में क्लियर कट लिखा हुआ है। लेकिन ऐसे किस्से आए हैं सामने कि 5 साल के अंदर भी नहीं, मैं मेरा बच्चा नहीं दूंगा, छुपा के रखते हैं, दूसरे गांव को निकल जाते हैं, तो ऐसे केसेस में पुलिस स्टेशन को जब ऐसे रिफर हो जाते हैं केसेस, तो पुलिस ऐसी सूरत में वो घर पे जाके जहाँ पर भी होगा वो इन्फॉर्मेशन निकाल के वो लड़के को या लड़की को जो 5 अंडर 5 ईयर्स है उसको अपने कब्जे में लेके कोर्ट के सामने पेश कर सकती है, जरूरत पड़े तो इट कैन ही कैन बी अरेस्टेड इफ दे आर अपोजिंग अस। इसमें ऐसा भी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप फादर के जो हस्बैंड के फादर
वो उनकी सोसाइटी में काफी अच्छा इन्फ्लुएंस रहता है, पुलिस पे भी इन्फ्लुएंस होता है, तो ऐसी स्थिति में वो औरत की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और उसको बच्चे से नहीं मिला जाता, नहीं मिलने, तो फिर वो उनके पास में वाइफ को एक अधिकार रहता है कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस हाईकोर्ट में फाइल करते हैं और हाईकोर्ट ही ऑर्डर करता है कि बच्चे को प्रोड्यूस किया जाए और पुलिस को डायरेक्शन देती है। तो ये ऐसी स्थिति आती है, हालांकि ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है और दुर्भाग्य की बात है और समाज के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन अब आपको जानकारी चाहिए, लोगों को बिल्कुल सही, दर्शकों को उसके साथ जो प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल बात वो आता है प्रॉब्लम तो उसका सोल्यूशन या उसका नॉलेज हमारे दर्शकों को मिले बहुत जरूरी है। और हमारे संविधान ने कायदे बनाए, संविधान ने कायदे बनाए अच्छे के लिए बनाए, अच्छे के लिए। जैसे कि हैबियस कॉर्पस में जैसे कि पता चलता है कि भाई ये लड़का या लड़की बेटा जो है वो उधर है, लेकिन वो बोलते हमारे पास है ही नहीं, यही लेके गई है लड़की, वो औरत ही लेके गई, ऐसा जब झूठा बोलते हैं, यानी इनके पास तो है नहीं और वो कहते हैं हमारे पास भी नहीं, तो देन वेयर इज द चाइल्ड। तो ऐसे इसमें हैबियस कॉर्पस जो हाईकोर्ट में जब वकील साहब ने जो बताया वो वहां पे डाल सकते हैं, उसमें कोर्ट कैन गिव द ऑर्डर टू प्रोड्यूस द चाइल्ड एट एनी कॉस्ट। सर, लड़का लड़की का आपस में डिवोर्स हो जाता है, डिवोर्स होने के बाद जो इशू है, ये प्रश्न हमने पहले भी लिया था, तो आज क्या हमारे एसीपी साहब भी है, रिटायर्ड एसीपी साहब भी है, इनका भी नॉलेज लेते हैं, इनसे भी कुछ पूछते इस विषय पे। सर, आज मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ये मानदाने सबसे, आपसे तो मैंने प्रश्न किया है पहले, लोगों ने पसंद भी किया है प्रश्न लोगों ने, तो सर ये प्रश्न ऐसा है कि जो चाइल्ड जो इश्यू है, इनका डिवोर्स हो गया लड़का लड़की का, उसके बाद में वो बच्चे का नाम को पिताजी के नाम के साथ जोड़ा जा सकता है क्या फ्यूचर में? देखिए नेचुरली उसकी मां अलग रह रही है, हाँ, अपने बेटे के साथ में उसने अपने पिताजी का नाम जोड़ लिया है, जो भी है खुद के पिताजी का नाम, लेकिन बच्चों को अपने पिताजी का नाम दे सकती है क्या? देखिए ऐसा है कि बाद में मां के कमांड में या कंट्रोल में अगर लड़का है, देखिए आपको ये जो भंसाली जो है प्रोड्यूसर डायरेक्टर, आप नाम सुने होंगे, संजय लीला भंसाली, तो आज कोई ऐसी बात नहीं रही है कि पिताजी का ही नाम जुड़े जाए, द सन ऑफ होम इतना ही ना कि अपन जैसा नाम लिखते हैं नाम के बाद में सन ऑफ, तो सन ऑफ मदर भी हो सकता है, तो वो नाम चेंज हो सकता है। नहीं नहीं सर, मेरा प्रश्न क्या कैसा मालूम है क्या, माँ का नाम लग सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर माँ चाहे कि नहीं इनके पिताजी का ही नाम लगे तो उसको लीगल स्टैंडिंग कितना है? लीगल स्टैंडिंग में लगा सकती है, वो नाम के लिए वो चैलेंज करने का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि मेरा नाम क्यों लगा है, क्योंकि वो नाम एक का क्या, हजारों का, हजारों का हो सकता है। अगर बच्चा अगर बड़ा होता है या कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसने अपने माँ का नाम की जगह पर पिताजी का नाम लगाया और सरनेम लगाया, उसको लीगल स्टैंडिंग है क्या सर? जी हाँ है, बोलिए आप। जी हाँ, उसके ऊपर पूरी लीगल स्टैंडिंग है, एंड ही कैन यूज बिकॉज इट इज हिज प्रेरोगेटिव, बिकॉज ही इज द इशू ऑफ बोथ पेरेंट्स, एंड ही हैज एवरी राइट एंड डिस्क्रिशन टू यूज द नेम ऑफ हिज बायोलॉजिकल फादर, एंड नो बायोलॉजिकल फादर कैन डिनाई दैट प्रेरोगेटिव ऑफ हिज सन। आपने तो अभी तिवारी जी का नाम सुने होंगे, हमारे चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर अपने यूपी के, गवर्नर भी थे, लास्ट में आखिरकार उनको मंजूर, आफ्टर लॉन्ग इंटरवल उनको देना पड़ा, नाम देना पड़ा, क्योंकि वो देखिए सर वो केस अलग था, आपको बता रहा हूँ कहने का मतलब ही हैज सॉट इन अदर वे राउंड, अगर आप देखा जाए इन अदर वे राउंड ही हैज सॉट द डिक्लेरेशन दैट आई एम द बायोलॉजिकल सन ऑफ दिस मैन, सो इट इज हिज प्रेरोगेटिव, अदरवाइज उसको बच्चा, वो बच्चा पैदा करने की उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर उनसे उनकी वो संतान है तो वो बच्चे का राइट, अगर वो जब मेजर हो जाता है, ही हैज गॉट द राइट टू यूज हिज बायोलॉजिकल फादर्स नेम, एंड नो बडी can stop him using, and he can claim the property also, of course. No, that is a different, that is the different, but he can, कानूनी लड़ाई लड़ते रह सकता है, नाम लगाता है, अभी माँ के साथ रह रहा है पूरी जिंदगी रहा, माँ का और उसका बचपन में समझो बच्चे के बचपन में डाइवोर्स हो गया और अपने पिताजी के नाम के साथ बड़ा हो रहा है, कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, नहीं कर सकता, नहीं क्लेम कर सकता, क्योंकि जो आप डिवोर्स हो गया लीगली तो आपने लीगल डिवोर्स दे दिया है। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि इससे लीगल डिवोर्स मीन्स व्हाट,
लीगल डिवोर्स मीन्स इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन एम्बॉस्ड बाय द कोर्ट कोर्ट एग्जैक्टली ओके इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी डेविएटेड इन एनी मैनर व्हाटसोएवर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वॉलंटरीली बाय डिक्री ऑफ द कोर्ट either by the decree of the court or by consent of the parties it is applicable to the legal heirs also legal heirs successor and such aap kisi bhi agreement ko uthal ke dekh lijiye ki this agreement is made between so and so which expression shall be mean to include his legal heirs successor administrator and assigns ये हम क्यों लिखते हैं बिकॉज दैट बिकम्स एप्लीकेबल एंड बाइंडिंग अपॉन सन सो देयरफॉर अनलेस अदरवाइज एग्रीड अगर कोई चीज उसके अलहदा अगर एग्री नहीं किया हुआ है तो वो क्लेम नहीं कर सकता है बराबर डाइवोर्स हो गया है एक बार डाइवोर्स हो गया है तो वॉलंटरली दिया है एग्रीड कि अपने पिताजी का नाम लगाया तो वो लगा सकता है लेकिन वो प्रॉपर्टी वगैरह क्लेम नहीं कर सकता या कोई भी चीज पे बिकॉज़ वॉलंटरली दिया है एग्रीड टू बी सेपरेटेड आपने जो दिया है ना बहुत सही नॉलेज दिया और सर आई टोल्ड यू कि डिवोर्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज व्हिच इज आइदर बाय कंसेंट और बाय द डिक्री एम्बॉस्ड बाय द कोर्ट क्योंकि उसमें अपनी औरत है या अपनी संतान है ये मानते ही नहीं डीएनए टेस्ट करवाया फिर उसमें प्रूव हुआ उसके बाद में फिर वो उसने क्लेम किया जो भी है अगले प्रश्नों की तरफ चलते सर हाँ जी सर ये डिवोर्स के बाद में मेंटेनेंस जो मिलता है लड़की को या बीवी को हाँ। वो सर उसके बारे में जरा बताइए ना सर आप बताइए फिर उसके बाद में आप भी बताइए सर देखिए कई प्रोविजंस हैं मेंटेनेंस के बारे में अभी तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी इंट्रोड्यूस हो गया है मेंटेनेंस मींस पोटगी हर्जाना मंथली कंपनसेशन एलिमोनी व्हाट इज दैट इज डिफरेंट एलिमोनी इज ए परमानेंट सॉल्यूशन कि भाई आप एक मुश्त रकम हमें दे दीजिए और ये हाँ और हम बस इसके बाद में आप करें लेकिन वो डिवोर्स के साथ में होता है बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिवोर्स प्रोसीडिंग एंड आफ्टर द पीपल स्टार्ट रिसाइडिंग सेपरेटली ठीक है ना तो दो साल का जो वो मुद्दत दिया हुआ है दो साल तक आप डिजर्शन रहता है क्योंकि डिवोर्स में कई सिचुएशंस आती है आप अभी तो उन्होंने कह दिया है कि मैरिज हैज बिकम इररिट्रीवेबल देयरफॉर इन द इमरजेंट सर्कमस्टांसेस दो महीने के बाद में भी वो ये दे देते हैं लेकिन एक्चुअल जो डिवोर्स होता है वो टू इयर्स के बाद का होता है और डिवोर्स होने के बाद में तो ड्यूरिंग द डिवोर्स होने के बाद में एक पीरियड होता है जिसके पीरियड में वो शादी दोनों लोग नहीं कर सकते ये भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में एक महीने का उसमें गैप देना पड़ता है आफ्टर द सर्टिफाइड कॉपी डिक्लेयर हो गया आपके हाथ में आ गए वंस इट इज रिसीव्ड एंड फ्रॉम देन एक महीने तक आप शादी नहीं कर सकते दूसरी चीज आती है मेंटेनेंस के बारे में पोटगी जो होती है कि ड्यूरिंग द राइट फ्रॉम द डे ऑफ सेपरेशन फाइलिंग ऑफ डिवोर्स पिटिशन इन द कोर्ट एंड टिल दैट डिवोर्स इज ग्रांटेड ये जो पीरियड होता है उस पीरियड में वो मेंटेनेंस मांगती है मेंटेनेंस का मतलब क्या है आई एम लिविंग सेपरेट एंड आई एम एन इंडिपेंडेंट आई डू नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम टू सर्वाइव और अगर बच्चा है तो बच्चे की भी सर्वाइवल की बात आ जाती है ऐसी स्थिति में वो मेंटेनेंस जो है कोर्ट ग्रांट करती है या तो ये सुबह मोटो दे देवे सर ऐसा पुलिस में आपके पास जब आप पुलिस में थे पावर में तो ड्यूटी पे तो उस टाइम पे ऐसा कोई केस आया था कि मुझे मेंटेनेंस कोर्ट ने देने बोला लेकिन ये दे नहीं रहा है मुझे हाँ, होते हैं बराबर आते हैं तो उसका वो वारंट आता है मतलब रिकवरी वारंट आता है उसमें कोर्ट से और कोर्ट का जो रिकवरी वारंट जो आता है कि उसका समझो जो जो अमाउंट ड्यू हुआ है वो अमाउंट का हम उसकी
जो चल संपत्ति जो रहती है, जो मतलब घर में का टीवी है, फ्रिज है, इस तरीके के आइटम वी कैन सीज. ओके, वी कैन सीज इट एंड वी कैन प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, और कोर्ट में सेल इट एंड देन गिव इट दैट अमाउंट टू द अफेक्टेड लेडी. एनफोर्समेंट की बात हो गई. लेकिन जहां तक ये सवाल आता है कि जब हम मेंटेनेंस मांगते हैं तो जैसी इकोनॉमिक कंडीशन में वो यहाँ पे रहती थी उसी लिवेबल कंडीशन में उसी के इक्वल पोजीशन के हिसाब से कोर्ट डिसाइड करती है अमाउंट. ऐसा नहीं है अभी ये तो पुलिस डिपार्ट क्रिमिनल प्रोसीजर में तो सेक्शन 125 है, तो उसमें एक लिमिटेशन है. लेकिन जहां पर डिवोर्स प्रोसीडिंग होती है तो सिविल कोर्ट के पास में क्वांटम ऑफ द अमाउंट वो डिसाइड करती है कि भाई आप अगर 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हो और आपका एक बच्चा भी है और पत्नी है और आप लोग सेपरेट रह रही है बच्चे के साथ में, तो ऐसी स्थिति में कि भाई उसमें कितने खर्चे उसके हस्बैंड की साइड के हैं, हाउसिंग लोन है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो घटा करके वो कम करके बाकी का जो बचता है उसके अंदर कितने 1/3, 2/3 या 1/2 पोर्शन जो है मेंटेनेंस के तौर पे कोर्ट ग्रांट कर सकती है. और मेंटेनेंस में इरेगुलरिटीज अगर है और वो नहीं देता है मेंटेनेंस टाइम टू टाइम, तो कोर्ट का जो 125 के सीआरपीसी के अनुसार जो हमको अरेस्ट वारंट जाता है प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, तो वो हस्बैंड को या वो व्यक्ति कंसर्न को हम पुलिस वो प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट के सामने, देन कोर्ट में ऑर्डर की उसको कैसा रिकवर करना है क्या, देन अनदर प्रोसेस वो जाओ. तो दोस्तों सुना आपने, आज हमारा विषय डिवोर्स पे काफ़ी लंबा चौड़ा चला और ये विषय ख़त्म होने वाला विषय नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे टॉपिक्स है और बहुत सारे विषय पे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में हमें डिस्कशन करना है. तो डिवोर्स का जो विषय है, विषय को आज हम इधर समाप्त करते हैं और हमारे एक्सपर्ट श्री प्रमोद वाजपेयी साहब का धन्यवाद करते हैं, उनको उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा नॉलेज दिया. सुरेंद्र मानदाने साहब, रिटायर्ड ACP साहब का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपना प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे साथ में शेयर किया. और इसके साथ ही कानूनी सलाह, ये प्रोग्राम मैं यहाँ ही समाप्त करता हूँ. आप देखते रहिए कानूनी सलाह, आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए. नमस्कार.